हेलो दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने टिंडा तो बहुत खाए होंगे, बहुत तरीके से खाए होंगे, तो बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाले खाए होंगे। हाँ, देखिए मेरा टिंडा थोड़ा बड़ा आया है और तो कम ही खाना है, एक ही दो आदमियों को खाना पीना है। तो देखिए मैं इस टिंडा को बना रही हूँ, ये बहुत ही बड़ा सा आ गया है। तो मैं इसमें एक ये देखिए बॉयल आलू मिक्स करूँगी, एक टमाटर है, प्याज है, देखिए ये मेरी सब्जी है। और मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल सिंपल, एक चम्मच तेल उससे भी कम और थोड़े सिंपल मसाले नॉर्मल, जो कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे किचन के फेवरेट मसाले। ये देखिए हल्दी है, धनिया है और थोड़ा सा किचन किंग मसाला है, बस ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, भिगो देते हैं। ये देखिए सब्जी, ये मैं बिल्कुल सूखी बनाऊंगी, मतलब बहुत थोड़ी सी ग्रेवी। ये देखिए बहुत थोड़ा तेल डालेंगे और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस गर्मी में आपको ये सब्जी जरूर पसंद आएगी। ज़्यादा तेल मिर्चा देख के जी भर जाता है, कभी कभी अच्छा लगता है, रोज़ नहीं अच्छा लगता। तो देखिए आज मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए ये मैं इसमें डालूँगी थोड़ा, देखिए जीरा बहुत थोड़ा सा, और टिंडा की सब्जी है इसमें मेथी भी अच्छी लगती है तो बहुत थोड़ी सी मैं मेथी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी नहीं, कड़वा जाती है। देखिए तेल हो गया, शाम का खाना है, बिल्कुल सिंपल खाना बन रहा है। ये मेरा तड़क गया है प्याज, और अब हम इसमें डाल देते प्याज, जो बारीक बारीक मैंने प्याज काट के रखा था ये हम डाल देते हैं, और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाते हैं। बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होगी, आप देखिए। देखिए प्याज भून गया, अब ये हमारा टमाटर का पेस्ट है, ये डाल पानी भी डाल देते बहुत थोड़ा, अच्छा थोड़ा सा देगी मिर्च डाल देते हैं जो कड़ू नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डाल देते हैं। और हमने इसमें मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, ये बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी, आप देखिएगा। सिंपल सी सब्जी है ये। अब टमाटर थोड़ा सा, अब ये देखिए मेरा शिमला मिर्च थोड़ा कड़ा है तो मैं इसको ऐसे ही छील लूँगी जैसे आलू छीली जाती है, खुरसने से नहीं निकलने वाला है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे छील लूँगी पूरा, जैसे आम छीला जाता है वैसे ही गोल गोल से, या छिलनी छील लें। ये देखिए डाल दिया मैंने मसाला, जो मेरा पिसा रखा था, घुला रखा था, ये हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, किचन किंग मसाला, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, ये इसको मिला लेते हैं, फेंट लेते हैं, गाँठी नहीं रहनी चाहिए, खट्टा दही है ये। इसको चलाते रहेंगे जिससे फटने ना पाए, गैस को तेज। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल देखिए तेल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये देखिए थोड़ा सा ये उबल जाए, ये देखिए अब थोड़ा हींग डाल देते हैं। अब देखिए ये टिंडा हमारा देखने में बड़ा था लेकिन देखिए बीज एक भी नहीं है, तो इसको हम चार पीस में काटते हैं। ये देखिए जैसे लौकी काटते हैं उस तरह काट के इसमें डालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा है, एक भी बीज नहीं है। एक टिंडा हम लोगों के लिए बहुत है, ये देखिए
अगर आपको ये पराठा से चावल से ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इसको हम मिक्स करते हैं, इसमें गैस तेज है, इसको भूनते रहेंगे इसमें थोड़ा सा। देखिए मैंने पानी डाल दिया, एक कप पानी है, इसी में हम आलू भी डाल देते हैं। आलू का भी चार पीस करेंगे, आलू ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा आलू बॉयल है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हुई। आप लोग बनाइए और फिर बताइए कैसी बनी ये। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, थोड़ा सा इसमें हम खड़ा टमाटर भी डाल देते हैं। ये देखिए जिस हिसाब से वो कटा हुआ है आलू और टिंडा, उसी हिसाब से टमाटर काट के मैंने डाल दिया। टमाटर का पेस्ट भी मैंने डाला था, लेकिन ये ऐसे टमाटर इसमें आप डालोगे तो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए अब इसको हम ढक देते हैं, पानी थोड़ा और डाल देते हैं। ये देखिए टमाटर डालने के बाद नमक डाल देते हैं, नमक आप स्वादानुसार डालें। देखिए अब इसमें हम डालेंगे हरा मिर्चा ऊपर से। ये देखिए अब सब्जी को हम ढक देते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं। देखिए ये थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तैयार हो गया है ये सब्जी जो है ना। ये जो बच्चे या बड़े टिंडा नहीं पसंद करते, मैं भी पहले नहीं खाती थी, लेकिन ऐसे बना खाइए तो थोड़ा दही डालने के बाद ये देखिए कसूरी मेथी डाल दिया मैंने, और अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला 1 स्पून छोटा। और देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है, अब ऊपर से डाल दीजिए थोड़ी सी धनिया की पत्ती। और ये देखिए ये सब्जी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये देखिए हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं, ये देखिए इतनी अच्छी सब्जी बनी है कि बहुत तेज से हींग की खुशबू आ रही है, कश्मीरी मेथी की खुशबू आ रही। ये देखिए आप बनाइए, एक आलू जो उबली डाल दी है तो इसलिए आपके बच्चे उच्चे सभी खा लेंगे, इसलिए ना कि पेवर टिंडा अगर हम बनाते हैं तो बच्चों को कम पसंद आता है, तो एक बार अगर टिंडा दांत के नीचे आया एक बार आलू आ गई, बच्चों को आलू ही पसंद आती है। तो आप बताइए सब्जी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। ये देखिए सब्जी रेडी है, धनिया हरी नहीं थी, ये मैंने धनिया सुखा के रखी, ये मैं डाल देती हूँ। ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ये जो बिल्कुल नहीं खाते होंगे वो भी टिंडा मान के खाएंगे, उसमें एक आलू ज़रूर डालिए, अगर बच्चों को खिलाना है तो एक आलू ज़रूर मिक्स कीजिए। ये देखिए थैंक यू।